व्यूअर, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल ब्लू रिज्यूम टेम्पलेट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 लाइक दिस वन। इस रिज्यूम को हमने डिवाइड किया है टू कॉलम में, लेफ्ट कॉलम और इसके बाद राइट कॉलम। लेफ्ट कॉलम में जो डेटा है, टॉप वन पिक्चर, नेम और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स, और एट द बॉटम हॉबीज एंड इंटरेस्ट। फिर इसके बाद राइट वन कॉलम में एट द टॉप कॉन्टैक्ट्स, और फिर इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन अटेनमेंट, और एट द बॉटम हॉनर एंड अवार्ड्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इस तरह का रिज्यूम हम क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, देन गो टू न्यू स्लाइड या डिज़ाइन पर आप चले जाएं और स्लाइड साइज आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ A4, और ओरिएंटेशन इसका होना चाहिए पोर्ट्रेट। फिर इसके बाद ओके बटन एंड मैक्सिमाइज। अनवांटेड टेक्स्ट बॉक्सेस ये आप रिमूव करें, और फिर इसके बाद होल्डिंग कंट्रोल की और माउस के स्क्रॉल बटन के थ्रू पेज को आप जूम इन करें। गाइड्स आप ऐड करें, वर्टिकल गाइड्स, और पेज का मार्जिन आप गाइड्स के थ्रू खुद सेलेक्ट करें और इसको आप एडजस्ट करें टू द लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट और राइट कॉलम के लिए गाइड्स आप ऐड करें और इसको आप एडजस्ट करें। फिर इसके बाद गो टू इंसर्ट टैब और यहाँ से शेप आप क्रिएट करें, दैट इज़ रेक्टेंगल शेप, और इसको आप ड्रा करें फॉर द लेफ्ट कॉलम, और इसको आप एक्सटेंड करें टू द बॉटम ऑफ द पेज और स्लाइड। This is first one. Similarly, you can create the another one. और इसको आप extend करें to the bottom of the page or slide. इस rectangle shape को आप ऊपर की तरफ extend करें और इस पर right click करें और send it to back. और फिर इसके बाद outline color इसके remove करें, shape fill color, go to more fill color. और यहाँ से कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रेड कलर दैट इज़ 70 और ग्रीन कलर आप सेलेक्ट करें दैट इज़ 81 और ब्लू कलर यहाँ से टाइप करें दैट इज़ 163, और फिर इसके बाद ओके बटन। ये कलर बॉटम वन रेक्टेंगल के लिए, और इस रेक्टेंगल पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ग्रेडियंट कलर, ठीक है। तो शेप के स्टाइल पर आप चले जाएँ, यहाँ से आप सेलेक्ट करें फिल कलर से आप ग्रेडियंट फिल कलर सेलेक्ट करें, तो लेफ्ट वन ग्रीन ब्लू कलर और जो राइट साइड वाला है वो है लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। और इसके बाद इस शेप का जो पॉइंट्स है ये आप एडिट कर सकते हैं फ्रॉम द एडिट शेप, और इसका शेप फिल कलर, सॉरी शेप आउटलाइन कलर ये आप रिमूव करें। तो ये था लेफ्ट साइड वाला कॉलम जो हमने रेक्टेंगल शेप के थ्रू क्रिएट किया। फिर इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल गाइड मैं ऐड करना चाहता हूँ फॉर द टॉप मार्जिन, और फिर इसके बाद एक शेप मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ फॉर द पिक्चर, दैट इज़ अ सर्कल शेप, और शेप फिल कलर मैं पिक्चर लेना चाहता हूँ। पिक्चर आप सेलेक्ट कर ले फ्रॉम द फाइल, सेलेक्ट दिस वन शेप, और फिर इसके बाद इसके आउटलाइन आप रिमूव करें, और यहाँ से मैं नेम जो है वो मैं टाइप करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स, और उसमें मैंने नेम टाइप किया, इसका स्टाइल बोल्ड और फॉन्ट यूबंटू, और इसको पिक्चर के नीचे आप एडजस्ट करें और इसका कलर आप चेंज करें दैट इज़ वाइट। फिर इसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करना चाहता हूँ, और इसमें मैं टाइटल ऐड करूँगा लाइक बिजनेस डिवेलपमेंट मैनेजर, और इसका फॉन्ट साइज 12 or 10 रखें, और इसको नेम के नीचे एडजस्ट करें, अगेन 10 पॉइंट्स इसका साइज़ होना चाहिए,
और इसका कलर भी आप चेंज करें। इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ फ्रॉम मोर कलर, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ कस्टम कलर। रेड कलर आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ 205, और ग्रीन कलर होना चाहिए 221, ब्लू कलर दैट इज़ 240। फिर इसके बाद ओके बटन। अब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट करता हूँ, और ये आप नेम के नीचे आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। इसको आप एडजस्ट करें प्रॉपरली ऑन द टॉप वन रेक्टेंगल, और इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस करें फ्रॉम द फॉर्मेट टेब्स। हाइट इसका चेंज करें, यहाँ से आप हाइट चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद गो टू इंसर्ट टेप, एट एक्स बॉक्स आप इंसर्ट करें, और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ प्रोफेशनल स्किल्स, और इसका फॉन्ट साइज़ होना चाहिए दैट इज़ 14, और इसके अलावा इसको मैं चेंज करता हूँ अपर केस में। और फिर इसके बाद टेक्सटाइल्स, टेक्स्ट का जो कलर है ये मैं वाइट रखना चाहता हूँ, तो इसके लिए गो टू फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एंड चेंज द कलर ऑफ दिस टेक्स्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्किल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स। इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ये कलर मैं लेना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद इसका साइज़ मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर दैट इज़ 12। और फिर इसके बाद कंट्रोल की को आप होल्ड रखें, और थ्रू माउस स्क्रॉल की आप पेज को जूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप में इंसर्ट करना चाहता हूँ, इसके कारण मैं और राउंड करना चाहता हूँ, और फिर इसके बाद इसका हाइट भी चेंज करना चाहता हूँ, वो भी आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मेट टेब, और आउटलाइन ये आप रिमूव करें। और फिर इसके बाद शेप फिल कलर आप चेंज करें फ्रॉम मोर कलर, रेड कलर होना चाहिए 50, ग्रीन कलर आप सेलेक्ट करें दैट इज़ 146, ब्लू कलर आप सेलेक्ट करें 202। इसको आप कॉपी करें बाय होल्डिंग कंट्रोल की, और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम शेप फिल कलर। इसको आप एडजस्ट करें, और फिर इसके बाद इसका विड्थ जो है ये आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मेट टेप। इन दोनों को आप सेलेक्ट करें प्रेसिंग कंट्रोल प्लस जी, इसको आप ग्रुप करें, और फिर इसके बाद वन बाय वन इसको आप कॉपी करें टू ऐड अनदर प्रोफेशनल स्किल्स। हर एक टेक्स को आप रीनेम कर सकते हैं लाइक पब्लिक कम्युनिकेशन, ईमेल मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, दिस वन इज़ रिसर्च, लास्ट वन इज़ नेगोशिएशंस। इसके अलावा इसके प्रोग्रेस बार जो है ये भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका विड्थ आप चेंज कर सकते हैं टू इनक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ द राउंड रेक्टेंगल शेप। और फिर इसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स को आप कॉपी करें, और इसको आप रीनेम कर सकते हैं, ये मैं रीनेम करना चाहता हूँ फॉर द हॉबीज एंड इंटरेस्ट। और इसका फॉन्ट साइज 12 में सेलेक्ट करता हूँ, सिमिलरली फॉर द अपर वन। और फिर इसके बाद हॉबी एंड इंटरेस्ट के लिए मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, और इसमें मैं शेप इंसर्ट करूँगा फ्रॉम द इंसर्ट टेप, गो टू सिंबल्स, सेलेक्ट सिंबल्स, और सेलेक्ट दिस वन सिंबल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेक्स्ट बॉक्स के लेफ्ट और राइट मार्जिन आप ज़ीरो करें, और फिर इसको आप हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के नीचे ले आएं, और इसके नीचे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँगा, और इसमें मैं एक हेडिंग लिखूँगा जो है ट्रैवल फॉर द हॉबीज़,
इंसर्ट टैब पर आप चले जाएं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रैवल या ट्रैवलिंग, और इसको आप नीचे ले आएं, इसका साइज़ आप चेंज करें और इसका कलर भी आप चेंज करें और इसको आप कॉपी करें टू द राइट साइड, और आइकन आप चेंज करें बुक और इसके नीचे आप लिख लें रीडिंग या रेड भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों को आप कॉपी करें, नीचे पेस्ट करें, हर एक का आइकन चेंज करें फ्रॉम द सिंबल दिस वन इज़ फोटोग्राफी, और लास्ट वन जो है इसके लिए आप स्पोर्ट सेलेक्ट सकते हैं, किसी भी हॉबीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और कॉन्टेक्ट वाला पोर्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज़ फ़ोन नंबर। ये आइकन आप इंसर्ट करें, इसका कलर आप चेंज करें फ्रॉम द होम टैब दैट इज़ ब्लू कलर, साइज़ आप चेंज करें दैट इज़ 12, और फिर इसको आप ऊपर एडजस्ट करें, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन इसका आप 0 करें ताकि ये प्रॉपरली इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिट हो जाए, और फिर इसको आप ऊपर एडजस्ट करें। राइट साइड पे एक और टेक्स्ट बॉक्स आप ले लें और उसमें मैं टाइप करना चाहता हूँ फ़ोन नंबर लाइक 202-505-666, और इसका फ़ोन साइज़ ये आप चेंज करें दैट इज़ 12 और 10, और इसका कलर आप चेंज करें दैट इज़ लाइट ग्रे कलर। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं और फिर इसको फ़ोन नंबर फ़ोन आइकन के सामने ले आए, इसको आप अलाइन करें हॉरिजॉन्टली सेंटर, दोनों को आप सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इसको आप पेस्ट करें वन बाय वन टू इंसर्ट द अदर कॉन्टैक्ट्स लाइक ईमेल, और थर्ड वन जो है ये लोकेशन, इसके लिए लोकेशन सिंबल आप इंसर्ट करें और लोकेशन में यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं अपना लोकेशन, और एट द लास्ट वन जो है ये है स्काइप, स्काइप एड्रेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद राइट साइड पे आपने ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक वगैरह ये सोशल कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड करने हैं, तो इसके लिए एक मैंने एक शेप क्रिएट किया दैट इज़ रेक्टेंगल शेप, और इस आइकन को मैं कॉपी करना चाहता हूँ और इसको मैंने इसके ऊपर ले आया, और इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ दैट इज़ वाइट कलर, और फिर इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हैं या इसका सिंबल आप चेंज करें दैट इज़ लिंक्डइन, और इसको आप सेंटर पर ले आएं और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कॉपी करें टू द राइट साइड, और लिंक्डइन का एड्रेस आप यहां पर टाइप कर सकते हैं लाइक linkedin.com/, जो भी नेम यहां पर आप लिखना चाहते हैं, जो भी एड्रेस है आपका वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको मैं वन बाय वन कॉपी पेस्ट करता हूं, और हर एक के लिए आइकन्स और सिमिलरली यहां पर मैं एड्रेस ये मैं चेंज करना चाहता हूं, ये मैं वन बाय वन चेंज करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ dribbble.com, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद एक लाइन ड्रा करें कॉन्टेक्स्ट के नीचे, और फिर इसका शेप, आउटलाइन, कलर ये आप चेंज कर सकते हैं लाइट ग्रे कलर, और इसका वेट भी आप चेंज कर सकते हैं, वेट आप सेलेक्ट कर लें दिस वन, ठीक है। फिर इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस का हेडिंग यहाँ पर लिखना है, तो मैं इस हेडिंग को कॉपी करना चाहता हूँ, इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ ब्लू कलर, और इसको आप ऊपर ले आएँ और इसको आप राइट साइड पे एडजस्ट करें। यहाँ पर मैं एक शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ दैट इज़ स्क्वायर शेप, और फिर इसमें मैं एक सिंबल इंसर्ट करूँगा फॉर द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए। इसका आउटलाइन कलर रिमूव करें और इसका शेप फिल कलर ब्लू कलर होना चाहिए, ठीक है। इस आइकन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया,
इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाय होल्डिंग कंट्रोल की और माउस लेफ्ट की के थ्रू। इस टेक्स्ट को आप रीनेम करें, दैट इज़ वर्क एक्सपीरियंस, और फिर इसका चेंज केस, ये अपर केस आप सेलेक्ट कर लें। इसको आप सेलेक्ट करें, गो टू होम टैब, और चेंज केस से यहाँ से अपर केस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इस आइकन को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करें, गो टू इंसर्ट, देन सिंबल्स, और फिर सिंबल सेलेक्ट करें, दैट इज़ दिस वन ब्रीफ केस सिंबल। तो ये सेलेक्ट हो गया, और इसका कलर आप चेंज करें, वाइट कलर इसका आप सेलेक्ट करें फ्रॉम होम टैब। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस के नीचे आप टाइटल आप टाइप कर सकते हैं, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। इसको आप एडजस्ट करें टू द लेफ्ट लेफ्ट साइड, और फिर इसके नीचे होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन नेम, दैट इज़ योर स्टेट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपकी जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद डेट और एड्रेस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर एक्सपीरियंस, ये आप ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस में। अगर आपके मोर देन वन एक्सपीरियंस है तो इसको आप कॉपी करें, पेस्ट करें, और इसको आप रीनेम कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो भी है वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। तो ये था वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी करना चाहता हूँ फॉर द एजुकेशन अटेंडमेंट। तो टेक्स्ट बॉक्स को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एजुकेशन अटेंडमेंट। फिर इसके बाद मैं इस आइकन को चेंज करना चाहता हूँ फ्रॉम द इंसर्ट टैब, गो टू सिंबल्स, और यहाँ से सिंबल आप इंसर्ट करें, दिस वन कैप सिंबल, और ये आप इंसर्ट करें। सामने हेडिंग है एजुकेशन अटेंडमेंट, और यहाँ पर भी मैं एजुकेशन जो है ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ फ्रॉम अदर सीवीज, और इसको आप इसके नीचे एडजस्ट करें। फर्स्ट वन इज़ द डिग्री टाइटल्स, और सेकेंड वन जो हेडिंग है ये यूनिवर्सिटी नेम है, फिर इसके बाद डेट, और फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डिग्री, और फिर इसके बाद इसको आप कॉपी करें और नीचे पेस्ट करें फॉर द अदर हेडिंग, दैट इज़ हॉनर एंड अवार्ड्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप चेंज करें और टाइप करें हॉनर एंड अवार्ड्स, और आइकन को भी आप चेंज करें फ्रॉम द इंसर्ट टैब, गो टू सिंबल्स, सेलेक्ट सिंबल्स, दिस वन सिंबल, ठीक है, ये हॉनर एंड अवार्ड के लिए हम यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद जो हॉनर एंड अवार्ड्स हैं आपके 1, 2, 3, 4 जितने भी है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और इसके सामने डेट भी लिख सकते हैं। अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ फॉर द लैंग्वेजेस, यहाँ पर मैं लैंग्वेज लिखूँगा, लैंग्वेज प्रोफिशंसी जो भी है आपकी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और हेडिंग आप टाइप करें लैंग्वेज प्रोफिशंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, फॉर एग्जांपल दिस वन, और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप ऊपर की तरफ एडजस्ट करें, और इसके लिए मैं सर्कल शेप में क्रिएट करना चाहता हूँ फ्रॉम द इंसर्ट टैब, और इसको आप एडजस्ट करें, इसको थोड़ा सा रीसाइज करें फ्रॉम द फॉर्मेट टैब, इसका हाइट और विड्थ आप चेंज करें, दैट इज़ 0.16 इंच हाइट और 0.16 इंच विड्थ आप सेलेक्ट करें, और इसका आउटलाइन कलर आप रिमूव करें, और फिर इसके बाद इसका शेप फिल कलर सेफ कलर भी आप चेंज करें, दिस वन कलर। फिर इसको आप कॉपी करें वन बाय वन, और इसको आप हॉरिजेंटली एडजस्ट करें, और नेक्स्ट वन लैंग्वेज आप फ्रेंच लिखें, और फिर इसके बाद स्पेनिश, और इस रेक्टेंगल शेप का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर, ये रिज्यूम कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।